हेलो फ्रेंड, देखिए हमारे किचन जा रहा है। इसके लिए लिया है चीनी, दूध एक कप नापकर लिया है, मलाई लिया है, एक जो छाली होता है दूध का वो लिया है, एक पैकेट बिस्कुट लिया है, कोकोनट बिस्कुट है। बिस्कुट को हम मिक्सी में पीस लेंगे, मिक्सी के जार में डालकर पूरा, देखिए हमको इसको पीस लेना है। एक केक लिया था उसको हम ब्रेड है उसको बूरा बूरा कर लेना है, इसमें दूध डालकर फुला देना है। देखिए हमारा बिस्किट पीस गया है, अब इस बिस्कुट को एक ठो बाउल में निकाल लिए हैं। देखिए हमारा बिस्कुट में पूरा हमने अच्छा से पीसा इसको दूध को, इसको भी जार में पीसेंगे, इसमें चीनी डालेंगे, मलाई डालेंगे, ये सारा को पीस लेंगे। देखिए हम मलाई भी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे पूरा अच्छा से। देखिए हमारा पीस चुका है मलाई बिस्कुट चीनी, अब इसमें मिलाएंगे, मिलाकर मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे पहले, फिर उसके बाद सारा डालेंगे। धीरे धीरे कर पूरा हमको फेंटना है। देखिए हम सारा डालकर फेंट दिए हैं, बेटर को पतला नहीं करना है, गाढ़ा ही रखना है। देखिए इसको हम 10 मिनट आधा घंटा तक ढक के रखते थे, ये बेटर हमारा तैयार हो रेडी हो चुका है। देखिए हमारा बेटर में बबल आने लगा है, इसको पूरा अच्छी तरीके से फेंटे हैं। अब हमारे पास तो और नहीं है, तो हम कढ़ाई को हीट कर दिए हैं। कढ़ाई हीट कर इसमें नमक डाले हैं। देखिए नमक डालकर, देखिए एक कटोरा में हमने बेटर को ढाल लिया है और बटर पेपर नीचे रख दिया है इसमें। देखिए अब इसको बैठा दिए हैं इसमें, इसको कुछ चीज़ से आप ढक दीजिए। देखिए हमारा ढकने के बाद आधा घंटा के बाद हमारा केक रेडी होगा। एक चम्मच ढुका कर आप देख लीजिए, उसमें एकदम क्लीन आएगा, तो आपका केक रेडी हो चुका है। देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है, अब हम निकालेंगे। देखिए हम बटर पेपर हटा देंगे, बटर पेपर हटाने के बाद उल्टेंगे इसको। देखिए हमारा बटर पेपर निकाल दिए, देख केक हमारा कितना सॉफ्ट और मुलायम हुआ है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों।